हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग रिकर्शन फंक्शन। हमें क्या करना है, रिकर्शन फंक्शन का बेसिकली यूज करके सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कैलकुलेट करना है। जैसा कि हमने एग्जांपल में दिखाया गया है, इनपुट अगर आपने 3 प्रोवाइड किया तो आपको रिजल्ट क्या फाइंड आउट होगा, 6। कैसे फाइंड आउट होगा, रिकर्शन फंक्शन के थ्रू, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्लास डिफाइन करना है। जैसा कि हमने एक क्लास डिफाइन किया है, पब्लिक क्लास सम। जैसे आप क्लास सम डिफाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा। हमने यहाँ पे इंट, यहाँ पे सम टाइप का एक वेरिएबल, यहाँ पे सम टाइप का एक फंक्शन पास किया। यहाँ पे हमने एक पैरामीटर पास इंट नम टाइप का। अब हमें क्या करना है, रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे यूज करके यहाँ पे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इफ कंडीशन अप्लाई करनी होगी। यहाँ पे आपको कंडीशन में क्या लिखना होगा, अगर सपोज नंबर नंबर यहाँ पे आपका क्या है, डबल इक्वल, अगर यहाँ पे नंबर की वैल्यू अगर डबल इक्वल हो जाती है 1 के, नंबर अगर आपका 1 हो जाता है, देन आपको यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, आपको रिटर्न कर देना है पे नंबर कर दिया। हमें क्या किया, अगर नंबर की वैल्यू 1 है तो रिटर्न हमने क्या किया, नंबर किया। अगर ऐसा नहीं होता है देन आपने एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट में आपको क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे रिटर्न इज इक्वल टू नंबर यहाँ पे प्लस यहाँ पे फंक्शन को रिकॉल करना है, सम फंक्शन को, और यहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर क्या पास करना है, नंबर यहाँ पे माइनस 1। हमने क्या किया, नंबर माइनस 1 यहाँ पे कॉल किया। इस तरीके से आपको क्या करना है, रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके ये प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, एक सम टाइप का फंक्शन लिया जिसमें हमने एक पैरामीटर पास किया नम टाइप का। अगर सपोज नंबर की वैल्यू 1 होगी देन ये नंबर वैल्यू रिटर्न करेगा, और नहीं तो अगर सपोज ऐसा नहीं होता है तो नंबर प्लस जो आपका नंबर है वो प्लस सम में नंबर माइनस 1 पास। जैसे नंबर माइनस सम ये फंक्शन कॉल होगा देन फंक्शन फिर से रिकॉल हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। इस तरीके से ये रिकर्सिव फंक्शन की तरह वर्क करेगा। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है देन आपको यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन करना है। जैसा कि हमें आप दिखाया, पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे आपको लिखना है वाइड, यहाँ पे मेन, यहाँ पे हम मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग, इस तरीके से स्ट्रिंग आर्ग्स, यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन डिफाइन किया। जैसे आप मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे देन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है, क्योंकि हमें वैल्यू पास करके इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है। तो हमें यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक यहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे डिफाइन किया सिस्टम डॉट इन, इस तरीके से हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अगर आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा। हमने यहाँ पे डिफाइन किया इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, या फिर स्कैनर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैकेज भी डिफाइन किया। जैसे आप पैकेज डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ओके, जैसे आपने यहाँ पे पैकेज डिफाइन करना है, आपको एक मैसेज पास करना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलएम, और यहाँ पे आपको एक मैसेज पास करना होगा। मैसेज क्या पास करना होगा, एंटर, जैसा कि हम मैसेज पास कर रहे हैं, एंटर द नंबर। हमें क्या करना है, एक नंबर पास करना है। जैसे आप नंबर पास करेंगे तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में इसको स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ पे नम, यहाँ पे नम टाइप का एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे लिखा एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, हमने नेक्स्ट आई एन टी टाइप का फंक्शन कॉल किया। तो जैसा कि हमने अभी बताया था, आपको यहाँ पे एक नंबर पास करना है। जैसे हमने यहाँ पे अगर सपोज 3 पास किया, अब आपको यहाँ पे 3 जैसे पास करेंगे तो आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, एन की वैल्यू आपकी 3 है, देन सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आपको कैलकुलेट होकर 6 रिजल्ट आना चाहिए। कैसे आएगा, अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन में ये वैल्यू पास करना है। तो आपने यहाँ पे ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है, ये आपका नॉन स्टैटिक फंक्शन है। अगर आपका ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, क्लास क्लास का नेम है आपका सम, हमने सम यहाँ पे ओबीजे, हमने ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू यहाँ पे
यहाँ पे सम क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको कॉल करना है। तो हमने यहाँ पे इंट, यहाँ पे रिजल्ट, हमने एक रिजल्ट टाइप का वेरिएबल लिया जिसमें हमने क्या किया ओबीजे डॉट, यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल किया और सम में हमने नम वैल्यू पास कर दिया। जैसे नंबर आप पास करेंगे तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और आपका यहाँ पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे रिकर्शन वैल्यू फाइंड आउट होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर आपको कैलकुलेट हो जाएगा और वो पर्टिकुलर वैल्यू आपके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और उस पर्टिकुलर रिजल्ट को हमें क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। कैसे प्रिंट करना है, यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इस तरीके से मैसेज पास करना है और यहाँ पे मैसेज देखना है रिजल्ट, रिजल्ट रिजल्ट आपका क्या आया है, यहाँ पे प्लस रिजल्ट को प्रिंट कर, इस तरीके से पर्टिकुलर फंक्शन को प्रिंट करना है। जैसे आप प्रिंट करेंगे कैसे वर्क करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले आपका मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैसेज पास किया एंटर दी नंबर। जैसे आपने नंबर पास किया सब कुछ, नंबर की वैल्यू हमने 3 पास किया। जैसे आप 3 पास करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट सम में यहाँ पे 3 वैल्यू पास हो जाएगी। जैसे ये पास होगी तो ये पर्टिकुलर फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे नम की वैल्यू आपकी 3 है, 3 क्या 1 की इक्वल है, नहीं, 3 प्लस सम में यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या 2 नंबर की इक्वल है, नहीं, 1 की इक्वल नहीं है। देन यहाँ पे 3 प्लस 2 फिर सम फंक्शन में 1 पास होगा। तो यहाँ पे जैसे आएगा 1 एग्जीक्यूट होगा तो ये 1 रिटर्न कर देगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 आपका 6 कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे होगा ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ओबीजे डॉट, अगर आपने सम फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे आपने 3 पास किया। जैसे आप 3 पास करेंगे तो सबसे पहले आएगा 3 डबल इक्वल 1, क्या कंडीशन, यहाँ पे 3 डबल इक्वल 1 कंडीशन फॉल्स, देन ये पर्टिकुलर यहाँ पे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स में क्या लिखेंगे आप, 3 प्लस यहाँ पे सम में आपको यहाँ पे एक वैल्यू पास कर देना है 2। जैसे आप 2 पास करेंगे तो सम ऑफ 2 कॉल होगा, जैसे सम ऑफ 2 कॉल होगा देन 3 प्लस इस तरीके से 2 प्लस यहाँ पे सम फंक्शन में आपने यहाँ पे 1 पास किया इस तरीके से। तो ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे कॉल होगा तो सम ऑफ 1 की वैल्यू जब कॉल होगी तो यहाँ पे 1 डबल इक्वल 1 कंडीशन ट्रू, देन रिटर्न क्या कर देगा नंबर। अगर सपोज नंबर रिटर्न करेगा तो आपको क्या कैलकुलेट होगा, 3 प्लस यहाँ पे आपने लिखा 2 प्लस यहाँ पे आपको क्या पास हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी 1। जैसे 1 फाइंड आउट होगी सम 1 की वैल्यू, देन आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 प्लस यहाँ ब्रैकेट में 2 प्लस 1 आपका 3 कैलकुलेट हो जाएगा। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, तो आपको क्या करेगा ये 6 वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाएगी। जैसे रिटर्न होगी ये आपके यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी 6। जैसे 6 स्टोर होगा देन आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 6। इस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशंस, यहाँ पे आने के बाद एंटर दी नंबर। सबसे पहले हमें एक नंबर पास करना है, जैसे सपोज हमने 3 पास किया, जैसे हमने 3 पास करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगी 6। सेम इसी तरीके से अगर अनदर एग्जांपल देखना चाहे, अगर आपने 5 दिया पास किया, अगर हमने यहाँ पे क्या किया 5 पास करना चाहे, तो अगर हमने यहाँ पे 5 पास किया देन भी हमें रिजल्ट क्या फाइंड आउट होगा 15। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। सेम इसी तरीके से आप एक्स वाई जेड एनी नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज अगर हमने यहाँ पे 6 पास किया तो 6 का यहाँ पे सम कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिजाइन करना है। अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।